मैं हूं संगीता गुप्ता और ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमारा आज का सब्जेक्ट है हिंदी। आज मैं आपको लेकर आई हूं हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन। मैं आज आपको बताने वाली हूं कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। अभी तक जैसे आपने देखा है, नर्सरी से आप पढ़ते आ रहे हैं, नर्सरी में KG 1 KG 2 यहाँ तक कि फर्स्ट में भी आपने हिंदी वर्णमाला पढ़ी है, लेकिन अभी भी आज हमारी क्लास का फर्स्ट डे है, हम शुरुआत करते हैं हिंदी वर्णमाला से। इसके हमें दो फायदे हैं। अभी आप इतने दिन से रिवाइज नहीं कर रहे थे घर पे, तो थोड़ा सा आपका रिवाइज भी हो जाएगा। और आज हम आपको बताने वाले हैं स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है, कौन से वर्ण स्वर हैं और कौन से वर्ण व्यंजन है। आइए देखते हैं हिंदी वर्णमाला। आ से अहा तक, छत तक, ये सभी आप लिखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। यदि आपको अच्छे से हिंदी सीखना है, पढ़ना है, लिखना है, तो आपको इन सभी चीजों को जानना बहुत जरूरी है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि स्वर क्या है। स्वर, स्वर बुबल्स होते हैं, जैसे आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे, अल्फाबेट में भी बुबल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, इसी तरह हिंदी में भी बुबल्स होते हैं जिनको स्वर बोला जाता है। स्वर हैं आ आ ई ई ऊ ऊ र ए ऐ ओ औ। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे स्वर हैं। और अम और अहा, अम अनुस्वार है और अहा विसर्ग है। आप जब हम बिंदी ऊपर रखते हैं तो हम उसको बोलते हैं अम। इसी तरह जब हम अहा में विसर्ग लगाते हैं, आपको दिख रहे हैं दो बिंदियां, हम ए लगाते हैं तो इसको पढ़ा जाता है अहा। जैसे हम का में दो बिंदियां लगा देंगे तो इसको पढ़ेंगे कहा, खा में लगा देंगे तो पढ़ेंगे खहा। ये है विसर्ग। इसके बाद आते हैं ए, सारे हुए स्वर आ से लेकर औ तक। और अम, अम है अनुस्वार और विसर्ग है अहा। फिर इसके बाद आते हैं व्यंजन। व्यंजन हमारे का से शुरू होते हैं, क ख ग घ इंग च छ ज झ उह ट ठ ड ढ अण त ठ द ध न प फ व भ म य र ल व स स स ह। ये है व्यंजन। इसके बाद जो छ त्र ज्ञ स्र, ये आते हैं, ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं, इनको संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। ये हुए स्वर और व्यंजन जो आप ऊपर देख चुके हैं। तो बच्चों, आपने देखा इनमें थोड़ा सा अंतर है। आप लोग अभी तक पढ़ते आए हैं आ से अहा तक या छत्र ज्ञा स्रा तक, आप पूरा लिखते और पढ़ते आए हुए हैं, लेकिन आपको इनमें ये नहीं पता होगा कि स्वर क्या है और व्यंजन क्या है। इनमें ये स्वर है और ये व्यंजन है।